भाई अगर लाइफ में तुमको कुछ बनना है ना तो आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। यार मैं पता कैसे करूं कि मेरा ग्रोथ माइंडसेट है कि फिक्स्ड माइंडसेट है, यही सोच रहे हो ना। आई नो कि आज के टाइम्स में बहुत सारे लोग बस ये बोल रहे हैं कि आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। बट है क्या ये माइंडसेट? कौन कौन से माइंडसेट्स हैं? क्या मतलब होता है इन माइंडसेट्स का? इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी दूंगी एंड अलोंग विद दैट हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि हमारा माइंडसेट है कौन सा। और यार ये ध्यान रखो कि दोनों माइंडसेट होना कोई बुरी बात नहीं है, हम किसी भी टाइम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। नो डाउट ग्रेजुअली चेंज होता है बट हो सकता है, ठीक है। इस चीज को बिलीव करना ही हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। चलो एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक कॉपी एंड एक पेन। और यार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड यू एक्चुअली वांट टू नो कि आपका माइंडसेट कौन सा है तो सच में जाओ, पॉज करो इस वीडियो को, जाओ पेन और कॉपी लेकर आओ एंड वापस स्टार्ट करो इस वीडियो को एंड सी डू यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट और अ फिक्स्ड माइंडसेट। प्लीज वेस्ट ना करो टाइम ये सोचिए कि अच्छा हाँ पहले मैं वीडियो देख लेता हूँ, देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा चलो 5th क्वेश्चन के बाद में पेन और पेपर लेकर आऊंगा, चलो मैं मेंटली कैलकुलेट कर लूंगा कि क्या क्या मार्क्स है कैसे है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स है, अलॉन्ग विद दैट सीक्वेंस बहुत डिफरेंट है, तो आपको पेन और पेपर लाना ही पड़ेगा। पॉज करो वीडियो को, जाओ लेकर आओ। तो आई होप अब आप लेकर आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कॉपी में कि आपको 1 से लेके 15 तक सीक्वेंस लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेके 15 तक, अलॉन्ग विद दैट कॉलम्स खींचिए। चार कॉलम्स खींचेंगे हम। फर्स्ट होगा स्ट्रॉन्गली अग्री, सेकेंड होगा अग्री, थर्ड होगा डिसएग्री एंड फोर्थ होगा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेकेंड थॉट नहीं देना है इस क्वेश्चन को, जो फर्स्ट आंसर आपके दिमाग में आए सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आपको दिमाग में आए कि ये मेरे लिए स्ट्रांगली अग्री है, ये मैं कभी कभी अग्री करता हूँ, ये मैं डिसएग्री करता हूँ, ये मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, उस पर आपको बस एक टिक देना है। आई होप ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे सबको। 1 से लेके 15 तक मार्किंग, चार कॉलम्स, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डन। हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि अच्छा उस सिचुएशन में तो मैं ऐसा था, उस सिचुएशन में तो मैं ऐसी थी, नहीं, ठीक है, जो सबसे पहला थॉट आया वही करना है तभी राइट आंसर मिलेगा। चलो तो अब से आपको 15 क्वेश्चंस 1 by 1 दिखेंगे, ईच क्वेश्चन आपको 10 सेकंड्स के लिए दिखेगा एंड यू कैन स्टार्ट एंड गिव योर टेस्ट। टेस्ट के बाद मिलते हैं।
हाँ तो भाई आपने अपना टेस्ट दे दिया है, अब आपकी बात आती है कैलकुलेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन नंबर अभी बोलूंगी, अगर आपके वो क्वेश्चन नंबर है तो आपको उस तरीके से उसकी मार्किंग करनी। ठीक है, तो फॉर ऑल द क्वेश्चन विच हैव द क्वेश्चन नंबर एज 2, 3, 6, 9, 10, 11 एंड 14, उसमें अगर आपने स्ट्रांगली अग्री में अपने आप को टिक किया है तो 3 पॉइंट्स दो, अग्री में टिक किया है तो 2 पॉइंट्स दो, डिसएग्री में टिक किया है तो 1 पॉइंट दो, और स्ट्रांगली डिसएग्री में टिक किया है तो 0 पॉइंट्स दो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर है 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13 एंड 15, इसमें अगर आपने स्ट्रांगली अग्री पे क्लिक किया है तो 0 पॉइंट्स दो, अग्री पे क्लिक किया है तो 1 पॉइंट दो, डिसएग्री पे क्लिक किया है तो 2 पॉइंट्स दो, एंड स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक किया है तो 3 पॉइंट्स दो। अब अपने मार्क्स को टोटल करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या पॉइंट्स आए। अब आता है रिजल्ट का टाइम। अब आपके पास एक स्कोर आ गया होगा, है ना, उस स्कोर को देखो कि वो कौन से कैटेगरी के बीच में लाई कर रहा है। जैसे कि अगर आपका स्कोर 45 से 33 पॉइंट्स के बीच में लाई करता है, इसका मतलब है आपका है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट। पॉइंट्स लाई करता है 32 से 24 के बीच में, तो आपका है ग्रोथ माइंडसेट विद फिक्स्ड आइडियाज। अगर आपका पॉइंट लाई करता है 23 से 15 के बीच में, तो यू हैव फिक्स्ड माइंडसेट विद सम ग्रोथ आइडियाज। एंड अगर आपका लाई करता है 14 से 0 पॉइंट्स के बीच में, देन यू हैव स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड माइंडसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ कि आपका कौन सा माइंडसेट आया है एंड कितने पॉइंट्स थे आपके। तो भाई इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि अभी आपका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट क्या चीज, माइंडसेट मतलब आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से आप अपने लाइफ को जीते हो। सी डिफरेंट वेज हो सकते हैं आपकी लाइफ जीने के, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कि अभी तक हमारी जैसी कंडीशनिंग हुई है, जैसे हमने जिया है जिंदगी को, उसके हिसाब से हमारा माइंडसेट सेट हो चुका है, एंड इट इज ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट आया तो बहुत बुरी बात है, अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट मोस्टली स्टडीज के अकॉर्डिंग 70% से 88% तक के लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट ही है, बहुत कम लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, एक अमेरिकन की साइकोलॉजिस्ट है कैरल ड्वेक, उन्होंने हमें ये टर्म्स दिए थे फिक्स्ड एंड ग्रोथ के। उनका ये कहना था कि हर एक इंसान का एक तरीके का माइंडसेट होता है, कुछ लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, कुछ का होता है फिक्स्ड। अब हम जानेंगे कैसे, ये हमने इस टेस्ट के माध्यम से जाना जो कि उनकी ही बुक में दिया हुआ है, वी जस्ट कंडक्टेड इट ऑन दिस वीडियो। तो देखो हमारी लाइफ में कितनी सारी चैलेंजेस आते हैं, है ना, रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई नया चीज आता है हमारे सामने। अब एक ग्रोथ माइंडसेट का इंसान उन प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज लेगा, वो फियर नहीं करेगा उनसे, डरेगा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहेगा ये सोच के कि यार क्या होगा कैसे होगा। बल्कि अगर एक फिक्स्ड माइंडसेट का इंसान होगा ना, तो वो हमेशा सोचेगा कि छोड़ो यार, आसान रास्ता ले लेते हैं, उस चीज को ही छोड़ देते हैं जिससे प्रॉब्लम्स आएंगी। डरेगा, फियर करेगा, एंड मोस्ट ऑफ देम, हम सब में ये सारी क्वालिटीज होती है ना। तो वी नीड टू नो, अभी आपको पता चलेगा कि आपका फिक्स्ड माइंडसेट। अभी हम लोग आगे की वीडियोस में ये सब जानेंगे कि हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं और एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जो एक ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होता है ना, अगर उसको ये बताया जाए, या फिर वो हमेशा ना क्या करता है कि वो लोगों से पूछता है कि यार मेरा कैसा परफॉर्मेंस था, क्या सही लगा मेरे परफॉर्मेंस में, कैसा था मेरा परफॉर्मेंस, ऐसी बातें वो हमेशा सुनना चाहता है अपने बारे में। He or she always takes feedbacks constructively, ऐसे नहीं सोचता है पर्सनली है, किसी ने आके उसको बोल भी दिया कि यार आज इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो वो ये थिंक करता है कि मैंने आज क्या डिफरेंट किया जिससे उसको अच्छा लगा या नहीं लगा, चीजें पर्सनली नहीं ली। यही अगर फिक्स्ड माइंडसेट का होगा ना, वो क्रिप करेगा, पता है आज उसने ऐसा कहा था, पता है आज उसने ऐसा मुझसे कहा था कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, वैसा नहीं अच्छा लग रहा, क्रिप करेगा चीजों को, फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग ना ऐसा हमेशा सोचते कि यार ये तो टैलेंट बचपन से ही है, ये बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत जल्दी याद कर लेता है, बहुत जल्दी एग्जाम्स में कर लेता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। मतलब वो सोचता है ना कि बचपन में भगवान ने इसको जो क्वालिटीज दी है ना, उसी से ही इंसान आगे बढ़ता है। बट एक ग्रोथ माइंडसेट का इंसान हमेशा ये जानता है कि हम कोई भी चीज को इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव एनी स्किल अभी,
यू कैन अचीव इट विद द हेल्प ऑफ योर हार्ड वर्क. वो ये नहीं सोचता कि हमें भगवान ने दिए, इंटेलिजेंस तो नेचुरल है, टैलेंट्स तो नेचुरल है, टैलेंट्स कैन बी बिल्ड. ये वाला जब आपका यू नो सोच आएगी ना, देन यू आर अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन. जल्दी नहीं होगा ये सारी चीजें, ऐसे नहीं आ जाएंगी ये चीजें, ग्रेजुअली आएंगी, धीरे धीरे आएंगी. एंड मेरे साथ चलो इस वीडियो में, मेरे साथ चलो इस जर्नी में. इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो. आई विल बी देयर अलोंग विद यू टू बिल्ड यू दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. तुरंत नहीं आएगा, हमेशा से हमारा नेचर ही है कि हम छोटे छोटे रास्तों से कट के निकले, इतनी जल्दी नहीं आता, बट आएगा जरूर. ये माइंडसेट लाना ही बहुत बड़ी बात है. ठीक है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपने कुछ जाना, तो याद रखना मैं इस वीडियो को एक चीज से एंड करना चाहती हूँ कि वो देखा है लोगों को जो ऑलमोस्ट रोज ओमेगा 3 विटामिन मिनरल्स इन सब की दवाई खाते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फीवर आता है तब दवाई खाते हैं. ठीक है, तो जो लोग विटामिन मिनरल्स इन सब के ऑलमोस्ट सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे होते कि यार क्या लेना जरूरी है ये, बट वो इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि दैट विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन. आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो बच सकते हैं, इसीलिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो इससे डरते नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा. वो इस चीज से लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखते हैं कि कुछ भी होगा ना, कर लेंगे. प्रॉब्लम आई है, कर लेंगे. इसने ऐसा बोला, देख लेंगे. वो जो एटीट्यूड है ना, दैट यू हैव टू बिल्ड. ऐसे नहीं कि यार फीवर आया तो दवाई खाली सही हो गए, वॉमिटिंग हो रही है दवाई खाली सही हो गए. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड इस गेम में मैं आपके साथ हेल्प करूंगी. श्योर यू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में कुछ लिखना, प्रोडक्टिव लिखना, एंड बताना मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं कंस्ट्रक्टिवली आपके फीडबैक को लेके अपने चैनल को एंड आपको हेल्प एंड ग्रो कर सकूं. थैंक यू सो मच.